अरे आदमी लूटने के लिए आया है अलीगढ़ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ गुजरात उत्सव में। ये एग्जीबिशन है और इसमें क्या क्या है अंदर वो मैं पूरे वीडियो के थ्रू आपको दिखाती हूँ। गुजरात उत्सव शॉपिंग फेस्टिवल, मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, गुजराती में लिखा है। वैसे तो मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट आज मैं यहाँ का टूर आपको देने वाली हूँ। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। ये शॉपिंग चालू है। हाँ नहीं, अच्छा है, ये बहुत प्यारा है। कितना कम क्या किया, बोलने में भी शर्म आ रही होगी आपको तो है। 320 इसकी क्या प्राइस है? ये 550। तो ये आदमी शक्ल देख लो, ये झूठ भी बोलता है, मुंह पे भी देखो छुपा भी लिया। ये क्या? ये मतलब इंडोर प्लांट्स के लिए पॉट, वो जो हमारा अवस्था है ना उसके लिए अच्छा है। बार्गेनिंग करना है बस। बार्गेनिंग नहीं करना आता इनको। सच में थोड़ी ढीली, थोड़ी नहीं बहुत ही ढीली है तो बोलता है, मान भी ले आती है। कप, सूप कप, बहुत सारे आइटम है। मैंने शॉर्ट लिस्ट माइंड में कर लिया है, जाते जाते उठाऊंगी मैं। प्यारा है ना, अच्छा लगा। कवर लगाओ, डस्ट कैप लगाओ। नाइस नाइस। ये प्यारे प्यारे बैंड्स। चलिए आपके साथ साथ मैं भी देखते चल रही हूँ। कपड़े तो बहुत सुंदर नहीं है, बट ये फुटवेयर सारे सूट के कपड़े हैं आपके पास? हाँ, की साड़ियाँ भी है, साड़ियाँ भी है मैडम इधर। और इसको क्या मटेरियल बोलते हैं बताओगे आप? ये मलबरी कॉटन है, कॉटन लिनन में है। मलबरी कॉटन? हाँ मलबरी कॉटन में है, वो ब्लू वाले हैं, मलबरी गिच्चा में है। अच्छा मुझे वो दिखाना है कि पर्पल और ब्लैक में जो है वो खादी सिल्क है। खादी सिल्क है। ये ऊपर का टॉप हो गया, ये बॉटम है और इसका ये चुन्नी, ऐसा कॉम्बिनेशन है। क्या प्राइस है? 1050। क्या प्राइस है इसकी? 1150। 1150। क्या वॉश, क्या हैंड वॉश? ये हैंड वॉश है। हैंड वॉश साड़ी? हां हैंड वॉश। ये फैब्रिक्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, ये देखो स्लीपर्स, बेडरूम स्लीपर्स, ये बंद है शायद। इसकी क्या प्राइस है? यहाँ पे लोग जगह जगह से आए हुए हैं अपने, मतलब जो भी जहाँ की फेमस चीज़ें हैं उसका स्टॉल लगा के। वो पे टेबल, डाइनिंग टेबल का मैट भी है क्या? नहीं मैट से नहीं है। क्या है ये? बताता हूँ, ग्रिप लेग पे, स्टमक के लिए और डबल चिन के लिए, जो लाइन के लिए हर जगह यूज कर सकते। प्राइस क्या है इसकी? 250 फाइनल जी। ये क्या भैया? ये बैक मसाज के लिए?
हेलो भाई सिकंदर सिंह जी भाई काठियावाड़ी नाश्तो लिए भाई फ्लैक्स सीड्स वाली मटरी लाए हो इस बार? कौन सी? फ्लैक्स सीड्स वाली, हाँ ये वाली। सेम टेस्ट ही आप लोग वही हो कि नए हो? वही अच्छा, तभी मैं कहूँ सेम टेस्ट है ये। गूगल पे इसकी शॉपिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है वैरायटी टेस्ट करने को। सिंगा नाल चाहिए? नहीं नहीं, आओ भाई सिकंदर सिंह जी भाई दो ये ना शक्कर पारे। हाँ शक्कर पारे है ना ये? हाँ गेहूँ का रहेगा। गेहूँ का है ये? दो महीने तक नहीं खराब होगा भाई, गेहूँ के बने हुए हैं ये सारे। सब गेहूँ रहेगा इसमें, यहाँ पे कुछ भी आपको मैदा नहीं मिलेगा, मैदा वाला नहीं। देखो ये कीरिंग है, और खोलो भैया मुझे भी दिखाना है। अच्छा अंदर पड़ा है के भी आएगा टबली वाला कैप्सूल। कैन वाला ज्यादा अच्छा। स्प्राइट लेगा कि पेप्सी? स्प्राइट। विशु क्या लेगा? विशु क्या लेगा? विशु ने कुछ और ही पसंद किया है। पेप्सी। I'm a Pepsi man. हैंडबैग्स। अभी बिल्डिंग फेज में है ये। हाँ अभी इधर कुछ शॉप्स देखो बना रखा है पर अभी आए नहीं है। ये एक बार आया हुआ था दिसंबर में ना, मिस नवंबर दिसंबर में था यहाँ पे, और फिर से लग रहा है पब्लिक डिमांड में ये सब वापस आए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी बट कोविड केसेस बढ़ने लगे थे तो इसे बंद कर दिया गया, तो फिर अभी उसके बाद इसको वापस से स्टार्ट किया गया है। हाँ ये 20 रुपीज़ हर माल, हर माल 20 रुपीज़। आ जाओ इनको उतार दो नीचे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से एक प्लेट लेके गई थी, मैं वही ढूंढ रही हूँ, उसका सेट अगर मुझे मिल जाए तो फिर क्या बात है। नहीं मुझे दिख नहीं रही है मेरी वो वाली प्लेट। लाइट वेट से बहुत लाइट वेट है, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि ये चीनी मिट्टी के हैं। 20 रुपीज पर पीस। ये भी अच्छा लग रहा है, देखो ये तो बड़ा है 20 रुपीज में। चाहिए ये मलम्मा? नहीं, नहीं। ये वाला सही है? कौन सा वाला सही है विशु? वो अच्छा है पापा के लिए? अच्छा, और मम्मा के लिए नहीं है कुछ? वो है मम्मा के लिए, पापा का और विशु का। ये देखो अपने हिसाब से ठीक है, हो गया। उसमें वो एयर टाइट वाला ढक्कन सही रहेगा। खीर ही रखने के लिए अच्छा है। आराम से विशु है ना, अरे आदमी लूटने के लिए आया है अलीगढ़ से। माल खुर्जा का बेच रहा है और बेच रही है, देखो। विशु होल्ड करना टाइट, एरोप्लेन के मजे लिए जा रहे हैं। विशु बाय बाय।
बाय बाय एग्जीबिशन। तो मजा आया तुझे? तो वो हांडी वाला अच्छा लगा। जो चीनी मिट्टी के आइटम्स थे वो काफी अच्छे थे। स्नैक्स खाने के लिए कुछ लगा, अच्छा लग रहा था। कौन सा? वो वाला। मैं कंफर्म कर लूं भाई, जो अच्छा लग रहा था वो लिया है कि नहीं लिया है। तो काफी अच्छा है, अगर आप अहमदाबाद में हो तो यहाँ सामान भूल गया, हमारा स्नैक्स छूट गया अंदर। अच्छा हाँ, स्नैक्स लेके आते, मैं लेके आ रही हूँ, आप कार निकालो। भगो भाई भाई, अभी तो घर पहुँचते पता चलता अपना सामान ही भूल गया। भैया वो पैकेट दे दो, घर ही जा रहे थे हम, भूल गए थे लेना। थैंक यू। Thank you.